हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। फिल्म पानीपत को लेकर जाट समाज का विरोध लगातार जारी है। फिल्म के विरोध में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लोग सड़कों पर निकले और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। आपको बता दें कि जो फिल्म का विरोध है वो कैथल में बहादुरगढ़ बल्लभगढ़ की सड़कों पर निकले और फिल्म को दिखाए जाने का विरोध किया। लोगों का आरोप है कि फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है और कई तथ्यों को गलत तरीके से पेश भी किया गया है। बल्लभगढ़ में भारतीय जाट समाज के सदस्यों ने फिल्म निर्माता से माफी की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया है कि फिल्म में महाराजा सूरजमल की छवि गलत तरीके से पेश की गई। इससे पहले भी जाट समाज के कई लोगों ने फिल्म में भाषा को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज की थी। ये पानीपत फिल्म में राजा महाराजा सूरजमल के खिलाफ जो इन्होंने दिखाया उसमें, तो उसके लिए किया है कि राजा सबकी सभी जाति के होते हैं, 36 बरादरी के होते हैं। इन फिल्म निर्माताओं को ये समझाना चाहिए सरकार को कि पहले महारानी पद्मावती के खिलाफ इन्होंने ऐसे किया, आज ये महाराज सूरजमल के लिए, कल ये किसी और राजा के लिए करेंगे। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि हरियाणा सरकार से खासकर फिलहाल की हरियाणा में इसको बैन किया जाए। हनुमान वाटिका में इकट्ठा होकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। हमें हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से मांग है, जो चौधरी सूरजमल पर ये टिप्पणी की गई है भाई, इस पे बैन किया जाए। जैसे कि फिल्म देखी थी, फिल्म देख के आए, तो इस फिल्म में दिखाया गया कि महाराजा सूरजमल जी को एक लालची शासक और एक ऐसा शासक दिखाया गया है जो एक इस तरीके से दिखाया गया कि ये फनी है, फनी करेक्टर है, इसको क्रिएट किया गया है और इसकी छवि को लेकर कि पेशवाओं के आगे और इनके आगे कैसे झुके थे, इस तरीके की कोई ऐसी कोई कहानी नहीं थी इतिहास में जो हमने पढ़ा है, अपने पूर्वजों को जो देखा है समझा है। तो इस तरीके के सीन क्रिएट करना और एक तबके को ऊपर दिखाना, दूसरे को नीचा दिखाना, ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि दूसरे आप समाज को नीचा दिखाइएगा। तो हम मांग करते हैं कि इस फिल्म को जल्दी से जल्दी बैन करें और या इस फिल्म से सीन काटा जाए। वो फिल्म है सिख के विरोध में दिया है इन्होंने, भाई इसमें कुछ जो इसके अंदर सीन है वो आपत्तिजनक है, उस पर आपत्ति जताइए, ये प्रशासन के सरकार को भेजिए। तो फिल्म पानीपत को लेकर आखिरकार विरोध क्यों हो रहा है और विरोध की वजह क्या है, ये भी आपने लोगों से जाना। संवाददाता हमारे साथ राजा पटेल जुड़ चुके हैं और फिल्म को लेकर जो प्रतिक्रिया, जो ऐतराज जताया जा रहा है वो क्यों है और लोग आखिरकार इस फिल्म को देखकर क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा राजा से जुड़ते हैं। राजा, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? फिल्म तो रिलीज भी हो गई है और रिलीज के बाद अब लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। जी बिल्कुल, वाकई में पूजा, पूरे प्रदेश की बात करें तो जिस तरीके से जो पानीपत फिल्म है, जो जाट समाज के लोग पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर फिल्म देखने के बाद जिस तरीके से जो महाराजा सूरजमल हैं उनको लालची दिखाया गया है फिल्म में, तो उसको लेकर पूरे प्रदेश में विरोध किया जा रहा है और साफ तौर पर जाट समाज काफी गुस्से में है और वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि इस फिल्म को पूरे हरियाणा में बैन किया जाए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस फिल्म को पूरे देश में भी कहीं ना कहीं बैन किया जाए। जी पूजा, ठीक है, विरोध हो रहा है और बैन किए जाने की मांग उठ रही है, लेकिन राजा आप लोगों के बीच भी पहुंचे होंगे, सिनेमा घरों में भी पहुंचे होंगे, क्या लोगों की राय थी? क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी फिल्में आ चुकी हैं, चाहे पद्मावत हो या अन्य कई फिल्में, जब भी इतिहास को लेकर कोई फिल्म बनाई जाती है तो कुछ ना कुछ ऐसे पक्ष होते हैं। जैसे हमने पहले देखा था, करणी सिन्हा ने बहुत विरोध किया था और कहा था कि इस फिल्म से कुछ सीन्स हटा दिए जाए। तो अक्सर जब भी कोई हिस्टोरिक मूवी बनती है, पीरियोडिक मूवी होती है, तो उसको विरोध का सामना करना पड़ता है। लोगों की क्या राय थी? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, लोगों की राय जिस तरीके से लोगों से हमने बात की, हम मॉल्स में भी गए थे, उन लोगों से बात की, तो लोग काफी कंफ्यूज थे। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि फिल्म तो काफी अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, पर जिस तरीके से जाट समाज बारीकी से इस फिल्म को देखा है और जाट समाज ने जो सूरजपाल अम्मू जो उनके राजा थे उनको लालची और कहीं ना कहीं उनको पक्ष में, उनके पक्ष में कहीं ना कहीं लालची शब्द का इस्तेमाल उनको गलत लगा और जिस तरीके से जाट समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं। इससे पहले जिस तरीके से आपने बताया पूजा की पद्मावती फिल्म जो रिलीज हुई थी, करणी सेना ने पूरे देश की बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर प्रदेश की बात करें, तो काफी बवाल किया था, मॉलों में भी कहीं ना कहीं तोड़फोड़ हुई थी, मूवी को रोकने की कोशिश की गई थी, पर इस बार जो है जाट समाज कहीं ना कहीं प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर वो प्रदेश सरकार और फरीदाबाद जिला प्रशासन को आज उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है, प्रदेश और फरीदाबाद में फिल्म को रोकने के लिए मांग की है। जी पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा आपका। विपिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैथल से। विपिन, जरा बताइए कैथल में क्या कुछ आपने देखा और कैथल के जो लोग हैं वो फिल्म को लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं?
कैथल में आज जाट समुदाय के लोग कैथल के हनुमान वाटिका में इकट्ठा हुए और वहां से प्रदर्शन करते हुए मिनी सचिवालय में पहुंचे। उन लोगों ने अपना ज्ञापन भी उपायुक्त को दिया है। इन लोगों का मानना है कि फिल्म के अंदर जो महाराजा सूरजमल जी हैं उनके करेक्टर को फनी दिखाया गया है और उन्हें एक लालची राजा दिखाया गया है। इतिहास से छेड़छाड़ की गई है जिसको जाट समाज सहन नहीं करेगा। ठीक है, अब कुछ एक्शन भी हो रहा है क्या, क्योंकि लोग लगातार विरोध दिखा रहे हैं। जो वहां पर पिक्चर हॉल है, सिनेमा हॉल्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि लोग बार बार विरोध कर रहे हैं और ये विरोध हिंसा में ना तब्दील हो जाए, इसके लिए क्या प्रशासन ने कदम उठा रखे हैं? जी हाँ, आपको बता दें कि प्रशासन ने जितने भी पिक्चर हॉल थे, यहाँ पे दो पिक्चर हॉल हैं, दोनों के पास पुलिस सिक्योरिटी लगा दी है ताकि कोई इस तरह की असामाजिक घटना ना हो जाए। और जाट समाज भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, अलग अलग जगह पे जो अलग अलग गुट थे वो इकट्ठा हो रहे हैं और इसके लिए एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ है वो बर्दाश्त ना की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन। तो कैथल से जानकारी दी इन्होंने और साथ ही फरीदाबाद में क्या कुछ रुख था, बल्लभगढ़ में क्या कुछ रुख था। दरअसल क्यों हो रहा है इस फिल्म का विरोध, एक बार आपको वो भी समझा देते हैं। फिल्म का विरोध होने की जो मुख्य वजह है वह फिल्म में सदाशिव राव भाव महाराजा सूरजमल को अफगानों के खिलाफ मदद के लिए कहते हैं। मांग पूरी नहीं होने पर महाराजा सूरजमल सदाशिव के साथ युद्ध में जाने से इंकार करते हैं। जाट समुदाय का आरोप यह है कि फिल्म में महाराजा सूरजमल को लालची दिखाया गया है, जबकि महाराजा सूरजमल ने पानीपत के युद्ध को लेकर कई बड़े और अहम सुझाव दिए थे। फिल्म में दिखाए गए स्थानीय लोगों की भाषा को लेकर भी जो जाट समाज है उसमें नाराजगी देखने को मिल रही है और यही जो विवाद है वो अब सड़कों पर उतर आया है। तो फिल्म को लेकर खासतौर पर जो जाट समुदाय है वो इसका विरोध कर रहा है और अब इस विरोध के बाद क्या इस फिल्म से वो सीन हटाए जाते हैं, क्योंकि फिल्म रिलीज हो चुकी है। अक्सर हमने देखा है कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही इस तरीके का विरोध होता है ताकि जो रिलीजिंग डेट है वो आगे बढ़ जाए या फिर फिल्म से वो सीन एडिट करवा दिया जाए, लेकिन यहां तो फिल्म रिलीज हो चुकी है और फिल्म रिलीज होने के बाद अब ये बड़ा मुश्किल काम है कि उस फिल्म से वो सीन हटाए जाए। हालांकि जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं वो अब इसको लेकर क्या कदम उठाते हैं, क्या वो वाकई में उन सीन्स को हटाते हैं नहीं हटाते, जो लोगों की जनभावना है वो इस वक्त उनके खिलाफ नजर आ रही है, इसीलिए अब लोग भी परेशान हैं और बार बार अपनी मांग भी रख रहे हैं। हालांकि जो आम जनता है वो जरूर इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि फिल्म देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। एक प्रदर्शनकारी फोन लाइन पर हमारे साथ अनुराग जुड़े हैं। अनुराग जी नमस्कार, आवाज मिल रही है? हाँ जी मैम। अनुराग जी, फिल्म पानीपत को लेकर क्या आपत्ति है, विरोध क्यों कर रहे हैं? अब तो फिल्म रिलीज हो गई है, रिलीज से पहले तो कोई मुद्दा नहीं उठा, अब उठ रहा है? एक तो मैडम जी सबसे पहला बात तो ये है कि राजा विश्वेंद्र सिंह जी के बिना इजाजत के इन्होंने स्टोरी बनाई। दूसरी बात ये है कि जो महाराजा सूरजमल जी की जो छवि को इसमें दिखाया गया है कि वो लालच, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मूवी में एक चीज और दिखाई है कि महाराजा सूरजमल जी ने आगरे का किला मांगा, जबकि उस दौरान आगरा का किला इन्हीं के अधीन था, ताजमहल भी इन्हीं के अधीन था, दिल्ली इन्हीं की अधीन थी, जाटों के अधीन थी। और मुगलों ने ये कहा कि दिल्ली पे हम मुगलों को बिठाएंगे जी। महाराजा सूरजमल जी ने एक चीज कहा, दिल्ली जाटों की है और मेरी अधीन है और मैंने फतेह भी हासिल करी है दिल्ली पर। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाराजा सूरजमल जी की रणनीतियां थी वो रणनीति ये थी कि आप अपनी महिलाओं को हमारे पास छोड़ के जाएं, आप इन्हें युद्ध में नहीं लेके जाएं। दूसरी बात कि मुगल सर्दियों में आप वहां पर अटैक मत करें। युद्ध के दौरान क्योंकि सबसे ज्यादा नॉलेज हमारे क्षेत्र की सूरजमल जी को थी जी। ऐसी कई बातें हैं जो इस मूवी के अंदर दिखाई नहीं गई और गलत चीजें दिखाई गई।
तो इस बात को लेकर अब आपका विरोध है, लेकिन आपको लग रहा है अनुराग जी इस विरोध का कुछ असर होगा क्योंकि मूवी तो रिलीज हो गई है, सभी सिनेमा थिएटर्स में चल रही है, अब आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अब उसका क्या असर होगा? मैम असर ये होगा कि इस मूवी को बैन करा जाए, वरना ये विरोध आग की तरह फैलेगा मैम। ठीक है, चलिए आप अपना विरोध इसका मतलब जारी रखेंगे, लेकिन फिल्म रिलीज हो गई है, निर्माता निर्देशक अब आगे निर्णय क्या लेते हैं, क्या फिल्म में कुछ एडिट किया जाता है, वो सीन्स जो पर्टिकुलर सीन्स बताए जा रहे हैं जिसको बदलने की जरूरत है उसमें कुछ बदलाव होगा नहीं होगा जरूर हमें देखना होगा।